हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले आप लोगों जो आर आज के स्टूडियो मैन मूल केसरी आपको बताऊंगा, जो आपका कार है उसमें स्टेयरिंग के नीचे दो कान है, दो कान गाड़ी का दो कान नहीं दोस्तों। चलिए आते हैं मेन मुद्दा पे। तो ये जो राइट और लेफ्ट साइड का कंट्रोलर है, एक जो लेफ्ट साइड का कंट्रोलर है ये है वाइपर कंट्रोलर, और जो राइट साइड का कंट्रोलर है वो है लाइट कंट्रोलर। तो आइए बताते हैं कि इसका यूज आपको कैसे करना है अपने कार पे। तो चलिए करते हैं दोस्तों वीडियो के स्टार्ट। दोस्तों आपके लेफ्ट साइड में जो कंट्रोलर है वो वाइपर कंट्रोलर है। तो दोस्तों आइए बताते हैं कि वाइपर कंट्रोलर आपको किस तरह से कंट्रोल करना है। तो गाइज यहाँ पे आप देखिए चार ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले हाई में ऑप्शन है, यानी इसमें सबसे ज्यादा तेजी से वाइपर चलेगी। ये लो यानी लो का ऑप्शन दिखा रहा है दोस्तों, यहाँ पे धीमी गति से आपके वाइपर वर्क करेगा। और ये तीसरा नंबर में जो है ऑफ का ऑप्शन है, यानी इस सिचुएशन पे वाइपर ऑफ मोड में रहेगा। गाइज ये जो आप नीचे देख रहे हैं INT, ये इंट का ऑप्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका वाइपर है वो 10 सेकंड में फिर से चलेगा और बंद होगा, चलेगा बंद होगा, नहीं ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। तो आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से आपको यूज करना है। तो गाइज अभी जो ये वाइपर है वो ऑफ मोड में है, तो अभी मुझे लाना है INT वाला मोड में। तो इसे हम एक कड़ी नीचे करेंगे। तो ये देखिए एक कड़ी जब नीचे करते हैं तो ये टाइमिंग सेट होता है दोस्तों, टाइमिंग के अनुसार ये चलेगा, 10 सेकंड में आपका चलते रहेगा। जैसे कई एक बार क्या होता है वर्षा के दिनों में हल्की हल्की बूंद वाली वर्षा होती है, तो ऐसे सिचुएशन पे इस मोड पे आप ला के छोड़ दीजिए तो वर्षा को अच्छी तरह से क्लीन करेगी और वाइपर ज्यादा घिसेगा नहीं। गाइज इसके बाद एक कड़ी ऊपर उठाते हैं तो यहाँ पे देखिए ऑफ वाले मोड में आ गए, यानी अभी हमारा वाइपर जो है वो बंद मोड में है। गाइज इसके बाद देखिए एक कड़ी आप फिर ऊपर उठाते हैं तो ये लो मोड में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हल्की धीमी गति से वाइपर वर्क करेगी, और जब आप ऊपर वाले मोड पे ले जाते हैं यानी इसका मतलब ये हुआ कि अभी हाई मोड में है, अभी फास्ट और तेजी से अगर वर्षा हो रही है तो इस मोड पे आपको ले जाना है, तो बहुत तेजी से ये वर्षा के पानी को साफ करते रहेगी दोस्तों। दोस्तों आप यहाँ जो बायां साइड में ऑप्शन देख रहे हैं एक पुल का, तो जब आप इसे पुल करते हैं आपने और, तो गाइज इस सिचुएशन पे होता क्या है, जो आपका फ्रंट का मिरर है वो कभी कभी डस्ट लगा हुआ रहता है उसमें, तो वहां पे यहाँ पे जो आप पुल करेंगे तो वाटर आएंगे आपके फ्रंट मिरर पे और वाइपर उसे अच्छी तरह से क्लीन कर देगा दोस्तों और विजिबिलिटी को बढ़ा देगा। गाइज आपका जो राइट साइड में कंट्रोलर है कुछ इस प्रकार का दिखाई पड़ता है, जो यहाँ पे आप जितना भी फंक्शन देख रहे हैं दोस्तों ये बेसिकली आपका जो कार है उसमें जितने भी लाइटिंग है उसे कंट्रोल करने के लिए बने हैं। तो आइए आपको बताते हैं किस तरह से इसका यूज करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप जान लीजिए ये जो ऑप्शन है ये ऑफ का ऑप्शन है, अभी जो लाइट है वो ऑफ मोड में है। गाइस जब आप ये वाले ऑप्शन पे आते हैं, यानी ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ये डैशबोर्ड लाइट का है दोस्तों, ये जो आपका सिंबल दिख रहा है ये पासिंग लाइट का है गाइस, और ये हाई बीम का है और ये लो बीम का है दोस्तों। ये जो ऑप्शन है दोस्तों ये है फोग लैंप का और ये राइट और लेफ्ट इंडिकेटर का। तो ये आपको बताते हैं इसके यूज किस तरह से करना है। तो दोस्तों ये ऑफ मोड में है अभी, और ऑफ मोड से जब आप इस वाले मोड पे आते हैं तो यहाँ पे हमारे जो डैशबोर्ड है उस पे लाइट जल जाते हैं, और गाइज ये डैशबोर्ड लाइट इसे कहते हैं और पार्किंग लाइट भी इसे कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए छोटा सा लाइट दिख रहा है, लाइट का ऑप्शन है तो ये अभी मिट चुका है। तो गाइज ये पासिंग लाइट है, तो पासिंग लाइट का आपको यूज कैसे करना है देख लीजिए। यहाँ पे जब आप इसे अपने आगे की ओर पुल करेंगे तो जैसे पुल करेंगे ये देखिए अभी पासिंग लाइट ऑन हो रही है गाइज, तो इसी तरह से पासिंग लाइट का यूज किया जाता है दोस्तों। इसके बाद देखिए जब आप तीसरे नंबर पे आते हैं तो तीसरे नंबर पे आपको लो बीम और हाई बीम का ऑप्शन मिल जाता है। ये फर्स्ट में आप देख रहे हैं ये सिंबल आपका हाई बीम का है, और ये सेकंड वाले ऑप्शन में आपका लो बीम का सिंबल है गाइज। यहाँ पे क्या होता है जब आप हाई बीम में आते हैं तो हाई बीम में जो आपका हेडलैम्प है तो उसका जो रोशनी है वो स्ट्रेट जाता है गाइज और स्ट्रेट पड़ता है, और जो लो बीम है लो बीम में डाउन हो जाता है हल्का सा लाइट। तो आपका इसका यूज कहाँ पे करना है गाइज, हाई बीम का यूज ऐसे जगहों पे करना है जहां पे गुप्त अंधेरा हो और लाइटिंग की व्यवस्था ना हो, तो ऐसे जगहों पर आप हाई बीम का यूज कीजिए दोस्तों। आप एक बात और ध्यान में रख लीजिए, अगर
आप टाउन के अंदर चल रहे हैं तो आप हाई बीम का यूज ना करें, क्योंकि हाई बीम से बहुत से लोगों को परेशानियां होती है। दोस्तों यहाँ पे देखिए लो बीम का ऑप्शन है, तो गाइज लो बीम का ऑप्शन आपको तभी ऑन करना है जब आप अपने सिटी के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन पे लो बीम में आपको गाड़ी चलानी है। और अगर आप गाड़ी को उबड़ खाबड़ वाले रास्ते पे लेके जा रहे हैं जहां ब्रेकर्स हैं, तो ऐसे जगहों पे आपको लो बीम में गाड़ी चलानी है। तो दोस्तों आपको हाई बीम और लो बीम तो समझ में आ गया, तो आपको इसका यूज कैसे करना है आप देख लीजिए। जब आप तीसरे वाले नंबर मोड पे लेके आएंगे तो यहाँ पे जब आप आगे की ओर इसे पुल करेंगे तो अभी जो हमारा कंट्रोलर है वो हाई बीम को दर्शा रहे दोस्तों, और आपको जब लो बीम में चलाना है तो आप बीच में इसे रख दीजिए, यह भी लो बीम में है गाड़ी। गाइज यहाँ पे देखिए फॉग लैंप का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, और दोस्तों इसके बाद इंडिकेटर का आपको ऑप्शन मिल जाता है, राइट और लेफ्ट इंडिकेटर का ऑप्शन है। आप जैसे इसे नीचे की ओर दाबते हैं तो दोस्तों इस सिचुएशन पे आपका जो इंडिकेटर है वो राइट साइड का जलेगा, और आप जब इसे ऊपर की ओर करते हैं तो इस सिचुएशन पे आपके गाड़ी का जो इंडिकेटर है वो लेफ्ट साइड का जलेगा। दोस्तों अभी की गाड़ियां में क्या होती है कि अभी की जितनी भी गाड़ियां आ रही है उसमें ऑटोमेटिक एडजस्ट इंडिकेटर का ऑप्शन मिल रहा है, तो आप एक बार इसे जैसे दाब दिए तो इधर राइट का इंडिकेटर चल गया, और आप जब टर्न कर लेते हैं गाड़ी को राइट साइड में तो दोस्तों फिर आपका स्टेयरिंग अपने जगह पे आ जाता है और ये भी ऑटोमेटिक अपने जगह पे आ जाती है। दोस्तों आशा है मेरा वीडियो आपको पसंद आया है, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा नीचे कि आपको वीडियो कैसा लगा ताकि मोटिवेट हो सके, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों इसी तरह व्हीकल और अन्य कैटेगरी के वीडियोस मैं अपने चैनल पे अपलोड करते रहता हूँ, तो जाइए और चैनल पे विजिट कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक।